हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ईट्स बाय तनु गर्ग। आज हम बनाएंगे संदेश, जिसे बंगाली में संदेश बोलते हैं। संदेश इज अ डेजर्ट हु ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम बंगाल रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी फेमस इन द बंगाल, क्रिएटेड विद मिल्क एंड शुगर। आज हम बनाएंगे संदेश। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं संदेश। उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो दूध ले लिया है। आप टोन भी ले सकते हैं। मैंने ये फुल क्रीम लिया है। ये एक भगोना लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा पहले मैंने पानी डाल दिया है ताकि दूध तले में लगे ना। थोड़ा सा पानी गर्म करा हल्का सा, और अब मैंने ये सारा दूध इसमें डाल दिया है। दूध को अच्छा बॉईल आने तक मैं पकाऊंगी। ये दूध में मेरे बॉईल आ गया है। बस इसको एक बॉईल लाके और थोड़ा गैस को मैं बंद करूंगी, ताकि थोड़ा सा हल्का मैं गैस बंद करके ही इसको फाड़ूंगी, जो मैं छाना निकालूंगी। अब मैं ये दूध थोड़ा हल्का ठंडा है, हल्का गर्म है। अब इसमें मैं विनेगर और पानी मिक्स करके डाल रही हूँ, जिसपे मैंने 1 चम्मच विनेगर लिया है और 2 चम्मच पानी। अब मैं धीरे धीरे करके इसको फाड़ूंगी। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि कितना विनेगर आपको दूध में डालना है, वो पता चल जाएगा आपको फाड़ने के टाइम पे ही। मैं इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ पानी, गिलास में से लेके जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसमें से। धीरे धीरे मेरा जो ये दूध है वो फटने लगेगा और इसका छैना निकल जाएगा। छैने को दूध ठंडा कर, थोड़ा ठंडे पे इसलिए मैं फाड़ते हैं ताकि ये सॉफ्ट निकले। अगर आप गैस पे रख रख के इसे फाड़ देंगे तो वो जो छैना होगा वो हार्ड होगा। ये देखिए धीरे धीरे छैना बाहर आ रहा है। जब भी बिल्कुल पानी अलग और दूध अलग, छैना अलग हो जाएगा, तब मैं इस प्रोसेस को रोक दूंगी। एक बार और इसे चलाते रहिएगा। मैं चेक कर रही हूँ कि ये भी फटा है या नहीं। ये देखिए बस अभी ये कुछ देर में फटने वाला है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी ऊपर आने लगा है हल्का हल्का। ये देखिए फट गया है दूध हमारा। आपको ऐसे ही छैना बनाना है, वरना छैना आपका हार्ड हो जाएगा और जो संदेश है वो अच्छे नहीं बन पाएंगे। ये देखिए दूध फट गया है। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और एक बाउल पर रख के मैं छैना को छान लूंगी। वैसे मैं, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कपड़े में छान सकते हैं, पर पहले मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हमेशा स्ट्रेनर पे निकाल देती हूँ पानी को सारा, फिर कपड़े से अच्छे से निचोड़ने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन हो जाता है। इसमें से वाटर ड्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये देखिए इसको एक कपड़े में, गीले कपड़े में मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, लॉकडाउन की वजह से मैं गई भी नहीं बाहर, इसलिए मैं इसमें इसे निकाल रही हूँ। आप इसे वाइट कपड़े में निकाल के निचोड़ के अच्छे से चाहे तो इसे हैंग कर दीजिए कहीं पर, क्योंकि वो बहुत बढ़िया रहता है। अगर हो जाए कहीं स्पेस हो थोड़ी देर इसे हैंग करके, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए अच्छे से पानी निकालना है इसका, और फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये जो पानी बचा है फ्रेंड्स, इसको मैं, अगर राइस बना रहे हैं तो राइस में डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। और ये जो पनीर है अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। ये देखिए पनीर कितना बढ़िया बना है हमारा। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये देखिए तोड़ने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है पनीर।
ऐसे इसे तोड़ लेंगे हाथों से और उंगलियों की सहायता से फैला लेंगे। अच्छे से इसे मैश करेंगे और इसके जितने भी लम्स होंगे अंदर या छोटे छोटे दाने होंगे उनको हम लोगों को हटाना है बेसिकली। और बिल्कुल ऐसा टेक्सचर लाना है कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर लाना है इसके अंदर। ये देख, ये शुगर है, ये पिस्ता है, ये इलायची है और ये है केसर के दाने। अब हम इलायची का पाउडर डालेंगे इसके अंदर। के दाने डालूंगी, केसर के तार भी बोल सकते हैं आप इन्हें। अच्छे से मिला लेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे। मैंने आधी कटोरी ली है, एक कटोरी के आसपास बड़ी मेरा पनीर था तो मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम रखती हूँ चीनी इसमें। अब इसे अच्छे से मल लेंगे हम लोग, एक डो बना लेंगे छोटा सा इसका। एक बाउल में एक पैन रखेंगे गैस पे, इस बाउल में से हम लोग पनीर निकाल के गरम करेंगे। ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पनीर कच्चा करें बनाएंगे तो उसमें पनीर की कचाहट आएगी, तो जो पनीर है उसको हल्का सा पका लेंगे तो वो खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इसे थोड़ा थोड़ा पका लूँगी, 5 से 10 मिनट। आप चाहे तो ज़्यादा भी पका सकते, पर ये सौंदेश है तो इसमें ज़्यादा पका हुआ पनीर भी अच्छा नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट मैं इसे बस ऐसे ही चलाऊंगी ताकि इसके सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा भी नहीं पका सकती मैं इसे, वरना इसके दाने आ जाएंगे। बस ये हो गया है, 5 से 7 मिनट बहुत है, ज़्यादा तो 10 मिनट। ऐसे फैला फैला के चम्मच से दबा दबा के इसे हमें गर्म करना है, बस कच्चापन निकालने के लिए। बहुत ही बढ़िया स्वीट है ये बंगाल की, जो कि पूरे के पूरे इंडिया में चलती है और बहुत ही अच्छी है ये, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। ये देखिए अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, 7 मिनट के आसपास मुझे हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लिया है, हल्का हल्का इसे मैश करूंगी मैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे हाथ से ही करना है हमें मैश जब भी करना है, और ऐसे रगड़ रगड़ के हथेली की सहायता से ही उंगली से करना है हमें। अब छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे हम लोग इसके। आप चाहें तो इसके मोल्ड्स आते हैं, हार्ट शेप, चकोर शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, कैसे भी आप बना सकते हैं इसे। मैं इसे राउंड बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है ये। इजी और क्विक, जब लगे मीठा खाना है तो फटाफट बना लीजिए। ये देखिए सारे लड्डू तैयार है,
अब मैं सब में ये पिस्ता लगा दूंगी गार्निशिंग के लिए। आप चाहे तो इसमें बादाम, काजू, किशमिश जो आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। ये शॉन्देस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें जल्दी से, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्दी जल्दी मेरी लेटेस्ट और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलती रहे। ये देखिए बढ़िया सी स्वीट डिश फॉर यू। थैंक यू व्यूअर्स।